हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SST DIY। मैं जूही भंडारी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं वॉल आर्ट का वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी फ्रेम मेरे पास पड़ी हुई थी तो सोचा इसी से वॉल आर्ट बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने इसका पीछे का जो बोर्ड है वो अलग कर लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रेम ही फ्रेम चाहिए था। फिर मैंने पेपर स्टेंसिल बनाया, पेपर को डबल फोल्ड करके उस पर कुछ भी फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, उसकी कटिंग करके स्टेंसिल बना लीजिए। फिर मैंने थ्रेड्स को वाइट थ्रेड लिया और फ्रेम के साइज़ का मैंने उसको कटिंग कर लिया। कटिंग हो चुकी है, अब हम फ्रेम में इसको अटैच करेंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो ग्लू गन की हेल्प से हम इसकी जो भी थ्रेड्स हैं सबको साइड बाय साइड स्टिक करते जाएंगे, कुछ इस तरह से। सारे थ्रेड्स को इस पर स्टिक कर देने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, अब इसकी जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं इनकी हम कटिंग कर लेंगे और फिर टेप से सिक्योर कर लेंगे। इस टाइप के वॉल आर्ट मैंने मॉल वगैरह में देखे हैं, मॉल्स में ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो सोचा घर पर ही कुछ जुगाड़ से इसको बनाया जाए। तो अब हमने इस पर स्टेंसिल लगा दिया है, इसको टेप से सिक्योर कर लेंगे और फिर इस पर स्पंज की हेल्प से कलर करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है, बहुत ही इजी है, हर कोई इसको बना सकता है और कंप्लीट होने के बाद में ये बहुत एक अच्छा लुक देता है, बहुत ही क्लासिक लुक देता है। ये देखिए, इस तरह से हम डैब डैब करके स्पंज की हेल्प से पेंट कर लेंगे। अब कुछ फिनिशिंग टच देंगे, बस हमारा वॉल आर्ट तैयार है। और इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है और ऐसा ही सेकंड वाला भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है। देखिए इसका लुक कितना क्लासी लग रहा है। लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर ही इस टाइप के वॉल आर्ट्स बना सकते हैं। कैसी लगी क्रिएटिविटी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही DIY को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।